एक ऐसा तालाब जहाँ आज भी वास करते हैं भगवान विष्णु, और इस तालाब में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम करते सबको नज़र आते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। दोस्तों, आजकल आपने कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जिसके बारे में मान्यताएं प्रचलित है कि वहाँ साक्षात भगवान वास करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि भगवान का बसेरा किसी तालाब आदि में भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल के बूढ़ा नीलकंठ मंदिर की। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत देश में तो ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनकी सुंदरता हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन आज हम भारत नहीं बल्कि नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर की बात कर रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर नेपाल के शिवपुरी में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर यहाँ का सबसे भव्य, सुंदर और बड़ा मंदिर है। यहाँ मंदिर में विष्णु जी की सोती हुई प्रतिमा है। दूर से ही मंदिर को भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा के आधार पर पहचाना जा सकता है। इस मंदिर की विष्णु प्रतिमा नेपाल की सबसे बड़ी पत्थर से तराशी गई मूर्ति मानी जाती है। यह करीब 5 मीटर ऊंची है और करीब 13 मीटर लंबी झील में पानी के बीच स्थापित है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं और हाथ में सुदर्शन चक्र और शंख लिए हैं। उनके मुकुट पर कीर्तिमुख नज़र आता है। यह मंदिर हिंदू भक्तों के अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भी आस्था का केंद्र है। जहाँ मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, तो वहीं भोलेनाथ प्राणी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित है। माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी गुसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान शिव झील के पानी के नीचे शिव जी की एक छवि देखने को मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था, तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिवजी ने इस विष को अपने कंठ यानी गले में ले लिया था, जिस कारण उनका गला नीला हो गया था। इस कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वह काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और झील बनाने के लिए त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया।
जिससे एक झील बनी। कहते हैं इसी झील के पानी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। कलयुग में नेपाल की झील को गुसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ कार्तिक एकादशी को भव्य मेला लगता है, क्योंकि इसी पर भगवान विष्णु कई दिनों की निद्रा से उठते हैं। इस मेले में दूर दूर से लोग शामिल होने को आते हैं। यहाँ लोग विवाह, सुख और संतान की कामना के साथ पूजा करने आते हैं।